अमृतसर आना बिना अमृतसरी कुलचों के तो बेकार है। तो बस अब ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो गए हैं, अब ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। इट्स ऑलरेडी 11:38, सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड देन लीव। टाइम पता क्या हुआ है, 1:20 और अभी तक हम निकले नहीं हैं। हमारा वही हाल है, जितने बजे मर्जी उठ जाओ, जितने बजे मर्जी निकल लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, कहीं पर भी हो, हमने टाइम पर ना निकलना है ना पहुँचना है। अब 1:20 तो हो चुके हैं, 12 घंटे तो हमें आने में लगे थे, जबकि 6 से 7 घंटे का मैक्सिमम रास्ता है, 7 से 8 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें लगे थे 12 घंटे। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हम पहुँचेंगे किस टाइम रात को, लेकिन चलो पहुँचना तो है ही है। अभी भी रुकना ही पड़ेगा, एक आधी जगह तो फ्रेशन अप होना होगा या फिर कुछ खाने पीने के लिए रुकना तो पड़ेगा ही। आज का कोई विचार नहीं है, अब कोई विचार करने लायक भी नहीं बचे हैं, इतना थके हुए हैं, इतना थक गए हैं कि बहुत बुरे से टूटे पड़े हैं। तो अगर कहीं रुकते हैं रास्ते में तो ज़रूर आपसे मिलूँगी, नहीं तो फिर दिल्ली पहुँच के मिलती हूँ। हाय, बहुत लेट निकले थे तो कहीं आ जा तो सकते नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक इतनी शाम हो गई, इतना ऑलमोस्ट रात हो गई है, लेकिन हम बैठे हुए हैं अभी भी गाड़ी में, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बहुत मजा, बहुत मजा। इसीलिए हम वो देख रहे थे इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच, इंडिया जीत गया, मजा आ गया। और सूर्य ने क्या बैटिंग करी है, मस्त, फर्स्ट क्लास। हेलो, डिनर के लिए हम हवेली आ गए हैं, हवेली यहाँ पे करनाल में, और क्योंकि भूख तो लगी हुई है यार, सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं है, चलो अब भगते हैं। So this is the restaurant. This is the restaurant. Come now, where are we going? Huh? Okay. So my hubby being hubby, sanitizer लेने चले गए हैं. So this is the interior. ये यहाँ पे करनाल की हवेली का है. अंकल खाली पेज लेके बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है। ये आंटी पानी वेस्ट नहीं, गौतम बुद्ध, ये येलो कलर का पानी क्यों है? यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, एंड देन अंदर डाइनिंग एरिया है इनका, ढोल बदपरांदीज, and this is the interior. Let me give you a closer look. चलो अब व्लॉगिंग हो गई, अब थोड़ी सी ईटिंग हो जाए तो my children are giving pose, let's cover them. चलो बच्चों आ जाओ, अब खाना खाएंगे। यार सीरियसली बहुत हेक्टिक रहा दिन, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको हम एंजॉयमेंट कह सकें, सिवाय इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के, उसमें बड़ा मज़ा आया, बहुत सही सी क्रिकेट बैटिंग हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई है, बॉलिंग भी मतलब सही रही थी, हाँ हाँ, तो बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, मतलब ठीक था, 2-4 चौके दिए, वो अच्छे नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता जब इंडिया के बॉलर्स पिटते हैं तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट अच्छा था, बस वही एक पार्ट अच्छा था आज पूरे दिन का। लेकिन बहुत लेट हो गए हैं अभी भी ना, इट इज़ 8:00, 8 बज चुके हैं और अभी तक हम यहाँ पर करनाल में हैं, हम करनाल में है ना, अभी हम अम्बाला में ही हैं, अभी हम अम्बाला में हैं, तो वो करनाल की हवेली नहीं है, ये अम्बाला की हवेली है, तो अभी तक हम अम्बाला में हैं, अभी भी इट विल टेक अराउंड 2 to 2:30 आवर्स
टू रीच होम, मतलब कह लो हमें 12 एक बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो अगर आप अमृतसर का रोड ट्रिप बना रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट अपने पास एक स्पेयर डे ज़रूर रखो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है। एटलीस्ट फ्राइडे आओ, संडे निकल लो वापस, सैटरडे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पालकी साहिब के दर्शन करने हैं, अगर आपको अमृत वेले के दर्शन करने हैं, तो नहीं तो ना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक। अच्छा, यहाँ पर एक और जगह है साडा पिंड करके, मैंने सोचा था हम वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट सिंस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वहाँ पर जाऊँगी अमृतसर, मैं फॉर श्योर उसको एक्सप्लोर करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल ऑर्डर दिया हुआ है फूड का और फूड अभी तक आया नहीं है, सो वी आर वेटिंग फॉर द फूड। फूड टेस्ट करके बताती हूँ, आने दो, फूड टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट के बाद मिलते, खाने के बाद बहुत भूख लगी हुई है। होम स्वीट होम। 12:20 हो गए हैं, अब हम जाके घर पहुंचे हैं। ये रोड ट्रिप कब एडवेंचर ट्रिप ज्यादा था, घर से निकले तो वो एक्सीडेंट जो वहां पर कार पलट गई थी उसकी वजह से ऐसा रास्ता ले लिया जिसने हमें एक्चुअली एडवेंचर करा दिया। इतना अंधेरा, दोनों साइड पर कोई व्हीकल बहुत कम थे उस रोड पर। एनी हाउ वहाँ अभी रास्ते में ही थे तो पता चला वो किसी संदीप नाम के बंदे ने जो वहाँ पर अमृतसर में कांड किया है वो, उसकी वजह से अब लोगों की खबरें आने लग गई कि पंजाब बंद है वगैरह वगैरह। चलो वो भी सुन के इग्नोर किया और फिर भी चले गए। रात भर सोए नहीं थे क्योंकि पालकी साहब के दर्शन करने थे, सुबह उठना था जल्दी। चलो वो भी कर लिया। उसके बाद जो वापसी में हालत हुई है, एक तो पहले इतनी लेट हो गए थे वहां से, 1:20 1:25 पे वहां से हम निकले। उसके बाद रास्ते में ऐसे ऐसे झपकियां आ रही हैं, कुछ कहने की हद नहीं। जो ड्राइव करने की जो हालत थी वाज वाइल्ड गॉड, रियली इट वाज एन एडवेंचरस ट्रिप। तो प्लीज, एक तो नींद में तो ड्राइव करना नहीं है, मतलब इतनी टेंशन लगी हुई थी कि सही सलामत घर पहुंच जाए, और पहुंच तो गए। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।